मालेगांव शहर के अंदर और अतराब के देहातों के अंदर भी शिवसेना की जो वोट है वो अभी भी शिवसेना के पास ही है। सिर्फ आमदार गए हुए जो शिवसेना की जो वोट है वो शिवसेना के पास ही है, सिर्फ आमदार जो है वो सिर्फ है तो बीजेपी का साथ गए हैं, वोटर शिवसेना का साथ नहीं है अभी आज भी। और मालेगांव शहर के आवाम के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर मुसलमानों ने उद्धव साहब को बहुत पसंद किया है। उसकी सिर्फ मेन वजह ये है कि उद्धव साहब के अंदर कोई ऐसी जातिवाद ऐसी बात नहीं है। कभी उन्होंने स्पीच इतने ढाई साल में कभी कोई ऐसी स्पीच नहीं दी है। उन्होंने जो शिवसेना के जो बायलॉज थे तो उसको भी सामने रखा, बायलॉज रखते हुए सीएम पद का पूरा सही तरीके से उसका यूज़ किया और पूरे समाज को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। ये एक बदनसीबी थी कि हमको कोरोना काल मिला उस दौर में। अगर कभी हमको कोरोना काल नहीं मिलता सीएम साहब को तो महाराष्ट्र बेहतरीन डेवलप होता था। अब वो और उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये सारी बटपुरी समझी। कभी उनकी अच्छी रहती और आज वो कभी वो भरोसा ना करते हुए खुद चले होते तो आज ये बटपुरी भी नहीं हुई। पर उनकी तबीयत का पूरा फ़ायदा उठाया गया, कच्चे भड़ांग देख के पौध डाला गया और फिर इस तरीके का अमल जो आज मालेगांव शहर के अंदर जो आज कल आपको दिखा, जो आदित्य साहब बोले कि पीठ के अंदर गद्दारी की हमारे साथ में, पीठ में छुरा भोंपा, ये हकीकत बात है कि बीजेपी ये चाहती थी कि भाई शिवसेना टूट जाए। अगर ये महाविकास आघाड़ी कभी और चली तो बीजेपी का सफाया का खसिया था बीजेपी को। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया। पहले उनके अंदर ये था भी हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, अभी उन्होंने देखा कि भी हिंदू को हिंदू से लड़ाते, ये तोड़ फोड़ के सियासत कर रहे उन्होंने। और फिर उन्होंने शिवसेना को निस्तनाबूद करने की कोशिश की, पर अलहमदिल्ला शिवसेना के साथ पूरे शिवसैनिक लगे हुए हैं। और मैं मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इसी तरह शिवसेना के साथ जुड़े रहे। और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी लोग कल जलसे में आए थे उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव में अल्पसंख्यक विभाग में क्या शिवसेना के अंदर जो है ना, असल में अल्पसंख्यक है ही नहीं शिवसेना के अंदर। शिवसेना ही ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जात पात नहीं है, कोई यहाँ गोर गरीब अल्पसंख्यक में आता नहीं है। और शिवसेना के अंदर अल्पसंख्यक का कुछ पोस्ट भी नहीं है और कोई विभाग भी नहीं है शिवसेना के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उद्धव साहब ने खुद मुझको बोले, अल्पसंख्यक की मीटिंग रखे थे वहाँ पर। मैं गया था और रियाज साहब थे जावल वाले यावल वाले और ऐसे बहुत सारे थे, हम लोग सब वहाँ पर गए उद्धव साहब से मिले कि साहब हम लोग अल्पसंख्यक के लोग हैं, हमारे पास ये अहदा है तो अहदा दिया गया है आपकी तरफ से शिवसेना की तरफ से। तो कहा कि भाई शिवसेना के अंदर अल्पसंख्यक है ही नहीं, शिवसेना के अंदर अल्पसंख्यक विभाग है ही नहीं और अल्पसंख्यक विभाग का कोई इसमें से रूल आता ही नहीं। अगर सबको ऐसा अलग अलग अगर विभाग बना दिया भी शिवसेना तो शिवसेना में शिवसैनिक कोई नहीं, सब गठबाजी हो जाएगी। इसलिए शिवसेना में सिर्फ शिवसैनिक है और कोई विभाग नहीं शिवसेना के अंदर। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हमने किसान के लिए एक विभाग बनाया है, शेतकारी के लिए एक विभाग बनाया और हमने शिक्षक के लिए विभाग बनाया, वाहतूक के लिए विभाग बनाया है ना, कामगार के लिए विभाग बनाया, बाकी अल्पसंख्यक कुछ नहीं बनाया। तो हमने एकदम साफ बात करें, मेरे पास उसकी बगैर रिकॉर्डिंग भी इस बार मेरे पास। शिवसेना पार्टी को बढ़ाने के लिए आपके तरफ से कुछ कोशिश जारी है क्या, क्या जद्दोजहद में लगे हैं सर? जब मैं उद्धव साहब से मिलने गया था तो उद्धव साहब से मैं डायरेक्ट रूबरू बात किया कि सर मालेगांव शहर मध्य में आपको चाहने वाले मुसलमान बहुत है और मैं चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के लिए आप सभासद फॉर्म दो। तो उन्होंने मुझको 5,000 फॉर्म दिए सभासद के। अभी तक के मालेगांव शहर के अंदर मेरी ऑफिस से नेशनल कंपाउंड से कम 1200 से 1500 फॉर्म हमने सभासद के भरे और कई शाखाएँ हम लोग अभी खोलने वाले हैं मालेगांव शहर में। उसका एक वक्त है, उसका एक टाइम लिमिट बचा हुआ है। अभी मालेगांव शहर के अंदर मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि अभी मौका है शिवसेना में आने का। आज तक कभी इस तरीके से सभासद फॉर्म मालेगांव शहर में नहीं दिए गए थे, ये जिम्मेदारी है वो। आप लोग आइए मालेगांव शहर में, 5 से 10 हज़ार फॉर्म भरना चाहता हूँ सभासद। आप लोग मालेगांव शहर में मतलब मैं चाहता हूँ कि मुसलमान शिवसेना में पूरी तरह से दाखिल हो, बिना कोई डरे बिना कोई चपके उनको शिवसेना के अंदर जाना है। और मेरी ऑफिस के ऊपर आकर आप लोग फॉर्म भरिए, इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको 2 आधार कार्ड के जेरॉक्स लगेंगी और 2 फोटो लगेगा। जय हिंद। हमारे लाडले आदित्य जी ठाकरे साहब का
हमारा जो संवाद यात्रा दौरा है वो उत्तर महाराष्ट्र का सक्सेस हुआ, ऐसा मैं उपजिला प्रमुख के नाते से ऐलान करता हूँ। और मालेगांव शहर के तमाम आवाम का, शिवसेना के पदाधिकारी का, शहर वासियों का, ठाकरे फैमिली पे प्यार करने वाले सभी मेरे भाइयों का, नौजवानों का, मैं सभी का तहे दिल से मैं उनका आभार मानता हूँ। उन्होंने जो मेहनत किया है वो मेहनत रंग लाई है, ऐसा ही मैं बोलूँगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में क्या क्या होते रहेगा ये आपके सामने ही आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।